हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरू है और मैं आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज लेकर हाजिर हूँ। ये एक कंप्लीट सीरीज है हमारी फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड। हमने अल्फाबेटिकली आपके लिए किया है, जिस वजह से ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है और इससे बाहर से आने की संभावना न के बराबर है। कंप्लीट कवरेज है, सिंपल से सिंपल वर्ड और मुश्किल से मुश्किल आपके लिए इसमें होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। द सेम लेक्चर इज गोइंग टू बी मेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। देर इज अनदर लेक्चर, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट वन। दोनों भाषाओं में सीरीज बनेगी, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश में भी, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। अगर मैं कह रही हूँ कि ये अल्फाबेट ए से संबंधित है, यानी कि ए से शुरू होने वाले सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसमें इंक्लूडेड है। इस तरह से हम बी सी डी ई एफ जेड तक करेंगे और इतना डिटेल में करेंगे, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे कि हो सकता है आपको ए के ही मुझे आपके लिए तीन चार पार्ट्स बनाने पड़े, ए पार्ट वन, ए पार्ट टू, ए पार्ट थ्री। लेकिन एक बार आप अच्छे से कर लीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सभी एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा मैम ने बहुत सिंपल वर्ड बोला है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर तरह के स्टूडेंट्स के फायदे के बारे में सोच रही हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अल्फाबेट ए से। हमारा फर्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन यानी कि त्याग देना। जब बैन लग जाता है किसी चीज पर, हम क्या कहते हैं कि अभी हमें और नहीं देखना, हम इस पर बैन लगा रहे हैं। तो बैन, बैन से आप याद रखिए अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना किसी चीज को, त्यागना। इसके लिए एक और वर्ड है डेजर्ट, डी ई एस ई आर टी, जो हमारा रेगिस्तान वाला डेजर्ट है, सेम डेजर्ट की स्पेलिंग यहां पर भी है। आपको कोई नहीं मिलेगा रेगिस्तान में, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, अबैंडन ही हो जाता है रेगिस्तान, लोग उसे अबैंडन कर देते हैं। लीव, छोड़ना, क्विट, त्यागना, स्मोकिंग क्विट होती है। फॉरगो, फॉरगो का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। रिनाउंस, रिनाउंस त्यागना, सरेंडर, समर्पण। अब आप जरा ध्यान दें, हम जब लोगों की बात करते हैं तो वहां पर डेजर्ट का प्रयोग होता है, गंदी आदतें क्विट होती हैं, आ कोई इंपॉर्टेंट पद है, पोजीशन है, वो रिनाउंस होती है, और आर्मी वगैरह सरेंडर करती है। मैं थोड़ी ये बारीकियां भी इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। जैसे स्मोकिंग के लिए आप डेजर्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्मोकिंग के लिए आप क्विट इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट और पोजीशंस के लिए रिनाउंस इस्तेमाल करेंगे। राम ने सिंहासन भरत के लिए रिनाउंस किया, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी बारीकियां भी बताऊंगी ताकि आप फिल इन द ब्लैंक समझें, और साथ ही मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी ताकि जो मैं मीनिंग समझा रही हूं वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ये तो था हमारा अबैंडन। अब हो सकता है कि जब आपका क्वेश्चन आए तो वो आपको रिनाउंस दे दें और रिनाउंस का सिनोनिम आपसे पूछें, R E N O U N C E, renounce, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है abandon। और काफी बार एग्जाम्स में ये नहीं आता है कि आप इसका एग्जैक्ट सिनोनिम बताएं। एग्जाम्स में इस तरह से आ जाता है कि जो दिए गए चार विकल्प हैं उनमें से जो सबसे करीब है आप वो चुनिए। इसलिए और भी थोड़ी गहराई से करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो अबैंडन का त्यागना होता है, और इसका विपरीतार्थक क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, इसके एंटोनिम्स है कंटिन्यू, जारी रखना, कीप, अपने पास रखना, आप छोड़ नहीं रहे हैं। परस्यू, परस्यू का मतलब भी है जारी रखना। तो अबैंडन फर्स्ट वाला हमारा, और देखिए ये अबैंडन की पिक्चर है, अबैंडन में किस तरह से इसको किक आउट कर रहे हैं, लात मार के, चलो जी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियां, फीमेल्स, बेबी गर्ल्स, पेरेंट्स को नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स उनको कहां अबैंडन करते हैं, पेरेंट्स उनको डस्टबिन्स के पास अबैंडन कर देंगे, या फिर पेरेंट्स उनको किसी अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ देते हैं। बहुत ही बुरी बात है, बहुत दुखदाई है, पर ऐसा होता है। तो अबैंडन्ड बेबीज। अगले वाले पर चलती हूं, अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। कब होते हैं आप शर्मिंदा, ये देखिए, ये एक पिक्चर लगाई है मैंने, आप कहीं बाहर जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, ओ मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, अबैश, शर्मिंदगी महसूस करेंगे आप। छोटे बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो इस तरह से फटकार पड़ती है पापा मम्मी से, फिर वो अबैश्ड फील करेंगे, रिजल्ट खराब आया, अबैश्ड फील करेंगे, शर्मिंदा होना, डिस्करेज, हतोत्साहित करना, कन्फाउंड, कन्फ्यूज्ड, ये सभी अबैश के सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं ये। और इसका विपरीतार्थक होगा प्रोत्साहन देना, एनकरेज, हिम्मत बढ़ाना,
एम्बोल्डन साहसी होना हिम्मत दिखाना एम्बोल्डन रूट वर्ड है ना हमारा बोल्ड साहसी निर्भीक बोल्ड डिसीशन मतलब एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला है ये बोल्ड डिसीशन तो ये है हमारे अबैश अबैश मतलब टू फील अब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी तब हम यूज करते हैं अबैश्ड अबॉलिश अबॉलिश ए बी ओ एल आई एस एच अबॉलिश अबॉलिश का मतलब होता है अंत करना किसी चीज का अंत करना किसी चीज का कहलाएगा आपका अबॉलिश रद्द करना कैंसिल नलिफाई आपने ये सुना होगा नल एंड वॉइड है अब ये रूल तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि अब ये लागू नहीं है जैसे पहले क्या होता था आपको एक गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर अपना फॉर्म अटेस्ट करवाना होता था अब आप खुद अटेस्ट कर सकते हैं जहां पर अटेस्टेशन मांगते हैं तो वो पुराने वाला रूल नल एंड वॉइड हो गया वहां से आया हमारा नलिफाई एन यू एल एल आई एफ वाई नलिफाई अनल नल और अनल याद रखना दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं अनल का मतलब भी है कि अब इसका अंत हो गया है अब ये लागू नहीं है इनवैलिडेट वैलिड वैलिड सुना है आपने मेरा बस पास अब वैलिड नहीं है वो लास्ट मंथ एक्सपायर हो गया वैलिड मतलब होता है कि वो अभी काम कर रहा है अभी वो एक्टिव है इनवैलिड उसका ठीक ऑपोजिट है कि अब वो लागू नहीं है तो अबॉलिश का सिनोनिम इनवैलिड भी होता है और नेगेटिव नेगेटिव का क्या होता है नेगेटिव मतलब है कि ये नकारात्मक शब्द है नेगेट नहीं हो जाना तो अबॉलिश के लिए जो समानार्थक हैं कैंसिल नलिफाई अनल इनवैलिडेट नेगेट और क्या मांग करती है जनता क्या क्या अबॉलिश होना चाहिए गुलाम प्रथा स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए मोनार्की ये अबॉलिश होनी चाहिए और जनता को अपने हिसाब से सरकार चुननी चाहिए तो ये है अबॉलिश अब अपोलिश के विपरीतार्थक क्या होंगे एंटोनिम्स क्या होंगे इसके ऑपोजिट क्या होगा एक तो मैं कह रही हूं किसी चीज को हम खत्म कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट होगा स्थापित करना होता है एस्टैब्लिश सेटअप फाउंड एक तो फाउंड का मतलब पाना भी होता है कोई चीज खो गई थी और आपने वो पाली आई फाउंड माई लॉस्ट बैग एक आपने सुना होगा ना फाउंडेशन फाउंडेशन क्या होती है नींव तो फाउंड के मतलब शुरुआत करना भी होता है तो ये थे हमारे अबॉलिश के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखना आप इन सबको ये दो पिक्चर्स हैं देखिए यहां महारानी की फोटो को लगाकर क्रॉस लगाया हुआ है और लिखा है अबॉलिश द मोनार्की कि मोनार्की को अबॉलिश किया जाए और यहां पर ये एक गुलाम है जो कह रहा है कि भाई मुझे आजाद कर दो इस स्लेवरी को खत्म करो अबॉलिशमेंट ये हमारा था नंबर 3 और अब हम चलते हैं नंबर 4 पर क्या है नंबर 4 अबाउंड आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने कभी भी ये सुना है बाउंड बी अबाउंड ए बी ओ यू एन डी अबाउंड अब अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह भरपूर होना भरा हुआ होना बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि बाउंड्री से बाहर जा रहा है तभी हम इसको कह रहे हैं अबाउंड बाउंड्री से भी बाहर जाएगा ये तो बाउंड्री से बाहर चीजें कब गिरती हैं जब बहुत ज्यादा भरी हुई हो तो अबाउंड भरपूर होना फ्लरिश फलना फूलना फ्लरिश होता है फलना फूलना स्वेल स्वेल होता है पानी अब्सॉर्ब करके जब वो फूल जाती है कोई चीजें जैसे कॉटन होती है इस तरह से टीमिंग टी डबल ई एम टीम ये भी होता है भरपूर होना और प्लेंटीफुल तो आसान है ये आपने सुना होगा देखो ये पिक्चर देखो आप ध्यान से क्या कहती है द पिक्चर सेज इट ऑल तस्वीर सब कह रही है आपकी अबाउंड मीन्स अबंडेंट इन क्वांटिटी भरपूर मात्रा में मान लीजिए किसी तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं हम कहेंगे इट इज अबाउंड इन फ्रॉग्स बहुत सारी मछलियां हैं अबाउंड इन फिशेस ठीक है और इसका विपरीत क्या होगा अब ये तो है भरपूर होना अब इसका विपरीत तो यही होगा कि भाई शॉर्टेज हो गई किसी चीज की कमी हो गई डेफिशिएंट वेरी गुड डेफिशिएंट फर्स्ट वर्ड आपने सुना होगा ना विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये इंजेक्शन लग रहा है आपको विटामिन सप्लीमेंट्स खाइए आप कमजोर हो गए हैं डेफिशिएंसी डेस्टिट्यूट डेस्टिट्यूट भी हो सकता है वांट वांट मतलब होता है जरूरत और स्केयरसिटी स्केयरसिटी मतलब होता है कमी हो गई है किसी चीज की इसकी प्रोनाउंसिएशन स्केयरसिटी है जबकि बहुत लोग इसको स्कार्सिटी कहते हैं वो नहीं है और इसका एक और जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टेज शॉर्टेज ऑफ फंड्स ये भी होता है तो अबाउंड के विपरीतार्थक ये हैं ये था हमारा नंबर 4 नंबर 5 देखते हैं हम नंबर 5 अब्रप्ट नंबर 5 अब्रप्ट देखिए मैंने आपके लिए सभी के बगल में हिंदी मीनिंग भी लिखा है पर
कुछ एक हिंदी मीनिंग्स जो हैं वो जितने करीब हो सकते हैं वो उतने करीब हैं. वैसे तो अगर मैं कहूं अब्रप्ट का मीनिंग क्या है, तो अब्रप्ट का मतलब होता है यकायक या अचानक कोई चीज हो जाना, लेकिन अचानक सडन भी होता है. तो अब्रप्ट का सिनोनिम क्या है? अब्रप्ट का सिनोनिम अब्रप्ट होता है अचानक से कोई चीज हो जाना, हमने उम्मीद ही नहीं की थी और वो अचानक हो गई. तो एक तो इसका सिनोनिम हो गया सडन, एक हो गया इसका ब्लंट, कर्ट, ब्रीफ, हरिड. ये एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है, पर आपके चार ऑप्शंस में आप देखना, अगर कुछ और फिट नहीं होगा तो जब हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे तो हमें इन्हीं के साथ चलना होगा. अब एंटोनिम क्या है? एंटोनिम होगा कि स्मूथ. स्मूथ मतलब होता है बिना किसी रुकावट के आराम से सब कुछ हो जाना, ग्रेजुअली, कर्टियस. ये सारे अब्रप्ट के एंटोनिम्स हैं. नंबर सिक्स है हमारा अकम्प्लिश. अकम्प्लिश का मतलब ये तो बहुत सुना होगा आपने, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, पर मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहां पर इसका ऑपोजिट फॉरसेक में दिया हुआ है. ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में बहुत बार कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है. शब्द वही आते हैं जो आपने सुना है, पर आपने उस पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की आवश्यकता है. अकम्प्लिश देखते हैं, अकम्प्लिश का क्या है? अकम्प्लिश का मतलब है कोई काम कंप्लीट करना. देखिए बीच में कॉम्प आया है ना, सीओएमपी कॉम्प. अब आप इस सीओएमपी कॉम्प से याद रखिए कि कंप्लीट करना है. ये पूरी सीरीज भी हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, आप मेरे साथ साथ कीजिए. पूरा करना, सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके. अगर आप कोई काम पूरा कर रहे हैं तो मतलब आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं. अचीव, अचीव अकम्प्लिश का सिनोनिम है. अटेन, प्राप्त करना. गेन, फुलफिल, रियलाइज. रियलाइज का मतलब एहसास होना भी है, और रियलाइजेशन ऑफ अ ड्रीम इसका मतलब क्या है कि किसी सपने की पूर्ति होना, वो रियलाइज है. तो ये पिक्चर देखिए आप, यहां पर ये इंसान जो है ये प्लान कर रहा है, पेन के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जो आ जा रहा है ऊपर जा रहा है, और फाइनली इसको यहां पर कामयाबी मिली, सक्सेस. इसका ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम तो होगा कि हम फेल हो गए. या तो आप अकम्प्लिश करेंगे या आप फेल होंगे. अब मैं चाहूंगी इस साल कि आप सबका सपना सरकारी नौकरी पाने का अकम्प्लिश हो, पर जो लोग मेहनत नहीं करेंगे दे विल फेल. इसका एक और होता है फॉरसेक. फॉरसेक का मतलब होता है बीच में ही हमने कोई चीज छोड़ दी, हमने उसको पूरा नहीं किया. तो फॉरसेक और गिव अप जो है वो इसके एंटोनिम्स हैं. नंबर सेवन देखते हैं अब हम. नंबर सेवन है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिक. आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं. आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप केवल महसूस करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों के जो आइडियाज है भगवान के बारे में, वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम उसको कुछ साबित नहीं कर सकते हैं. तो ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक हो सकता है, केवल किताबी बातें हो सकती हैं. एकेडमिक और स्पेक्युलेटिव. स्पेक्युलेटिव मतलब है जिसके बारे में अटकलें लग रही हो, कुछ ठोस नहीं है हमारे पास. तो एब्स्ट्रैक्ट है ये. और इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है डेफिनेट. डेफिनेट क्या होता है? निश्चित, स्पेसिफिक. एब्स्ट्रैक्ट में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या है, लोग अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेट तो निश्चित है. फैक्चुअल, तथ्यों पर आधारित. कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है सब्सटैंशियल, ठोस. हमें कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, जब ठोस सबूत होगा तब सजा मिलेगी. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बातें करेंगे तो फिर सजा नहीं मिलेगी, यही कहेगा जज एक कोर्ट में, क्योंकि उसको डेफिनेट एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस ये चाहिए. तो ये इसका ऑपोजिट था. नेक्स्ट है हमारा अब्सर्ड. absurd, अब्सर्ड. अब्सर्ड होता है अजीब. अजीब जो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, अब्सर्ड, उसको हम कहेंगे अब्सर्ड. ये जनरली वो चीजें होंगी जो बेवकूफी भरी होंगी. तो फुलिश, इडियोटिक बेवकूफी वाला, सिली, इनसेन, नॉनसेंसिकल. हम अक्सर कहते हैं ना नॉनसेंस. नॉनसेंस हम किन बातों पर कहेंगे? ये बिल्कुल बकवास है ही नहीं ऐसा कुछ. तो नॉनसेंसिकल भी अब्सर्ड का सिनोनिम होगा. ये पिक्चर देखो आप, क्या आपको लग रहा है कि पिक्चर अजीब है? बिल्कुल. अब ये आदमी जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि इस दोनों चीजें रिवर्स ऑर्डर में होनी थी. अब्सर्ड है विसंगति. विसंगति हमें लग नहीं रहा कि दोनों चीजें आपस में जाती हैं. अब्सर्ड का एंटोनिम क्या है? अब्सर्ड का ऑपोजिट क्या है? अब्सर्ड का ऑपोजिट है लॉजिकल. लॉजिकल आया रूट वर्ड लॉजिक से. लॉजिक क्या होता है? तर्क.
जब आप किसी चीज के लिए तर्क देंगे तो वो नॉनसेंसिकल नहीं होगी, वो अब्सर्ड नहीं होगी, लॉजिकल. सेंसिबल बातें लॉजिकल होती हैं, बिजनेस लॉजिकली चलते हैं. और इसी में एक और है रीजनेबल. रीजन का मतलब क्या है कि उसके पीछे कारण जानना. रीजनेबल, रैशनल, लॉजिकल, ये सभी अब्सर्ड के ऑपोजिट है, एंटोनिम है. नंबर नाइन है हमारा अबंडेंट. अबंडेंट होता है बड़ी मात्रा में अवेलेबल. अबंडेंट इस टाइम क्या है कि जो मान लीजिए विंटर सीजन है तो आप देखेंगे अबंडेंट रोज फ्लावर्स. अबंडेंस का मतलब होता है बड़ी मात्रा में उपलब्ध है. इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी. एम्पल, जेनरस, हैवी, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, ये सभी हैं अबंडेंट के सिनोनिम्स. बड़ी मात्रा में उपलब्ध है आपके लिए तो हम कहेंगे अबंडेंस या अबंडेंट. नंबर नाइन. अगर आप ध्यान दें तो एक और इससे पहले वर्ड आया है हमारा अबाउंड. क्या वो भी बड़ी मात्रा में अवेलेबल था जिसके लिए मैंने आपको कहा था बाउंड्री से ही बाहर निकल रहा है. यस, ये दोनों सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. आप कनेक्ट करने की भी कोशिश करें. इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है एंटोनिम. क्या है इसका? रेयर, दुर्लभ, मिलेगा ही नहीं. रेयर स्पीशीज है ये. डॉग्स एक अबंडेंट स्पीशीज है. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ऐसे दिल्ली में इतनी वो बात चली थी कि वो जो छोटी सी चिड़िया है गौरैया, वो धीरे धीरे रेयर होती जा रही है, दिखती ही नहीं है. और स्केयरसिटी, हमने पीछे बात की शॉर्टेज हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना, तो अबंडेंट का जो एंटोनिम है रेयर और स्केयरसिटी है. ये देखिए ये पिक्चर, ये क्या कह रहा है? बी ग्रेटफुल व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन टू हेल्प अदर्स बिकॉज इट मींस यू आर अबंडेंट. बिल्कुल सही. आप दूसरों की मदद तभी तो करेंगे जब आपके पास कोई चीज अबंडेंस में अवेलेबल हो. चैरिटी भी तभी होगी जब मेरे पास उपलब्ध हो. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं गरीब हूं और चैरिटी करने की सोच रही हूं, वो तो अब्सर्ड हो जाएगा. और अभी हमने अब्सर्ड भी किया, ये अजीब सी बात हो जाएगी. नंबर टेन, एक्सेलरेट. एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है तेजी से बढ़ना. गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है. क्या करता है एक्सेलरेटर? आप एक्सेलेटर दबाएंगे, 23-24 साल के लड़के उनका पैर एक्सेलेटर पर ही रहता है. तो ये एक्सेलेटर क्या करता है? ये गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा देगा. बिल्कुल सही. तो एक्सेलरेटर का मतलब होता है, एक्सेलरेट का मतलब तेज गति से बढ़ना. हेसन, आपने वर्ड सुना होगा हेस्टी. हेस्टी का मतलब होता है उतावला. तो हेसन इसका सिनोनिम है. हरी इसका सिनोनिम है. क्विकन इसका सिनोनिम है. हसल इसका सिनोनिम है. एक्सपीडिएट और स्पीड अप, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. पिक्चर देखिए, धीरे 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 स्पीड बढ़ रही है. और यहां पर ये कह रहा है आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप. अब इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है डीसेलरेट. डीसेलरेट, बहुत सारे शब्दों के पहले अगर डीई लगा देते हैं तो वो विपरीतार्थक बन जाएंगे. रिटार्ड एक होता है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मतलब तेज गति से आगे बढ़ना. और रिटार्ड का मतलब होता है उसका ठीक विपरीत, पीछे की दिशा में. स्लो डाउन, स्लो हो जाना, ये होता है इसका ऑपोजिट. वर्ड नंबर 11, अक्यूमुलेट. अक्यूमुलेट होता है जमा करना. बड़ी मात्रा में कोई चीज जो है आपने कहीं इकट्ठी कर रखी है. लोग काला धन अक्यूमुलेट करते हैं. ध्यान दीजिए, अक्यूमुलेट जो है एक नेगेटिव शब्द नहीं है. पानी अक्यूमुलेट किया जाता है डैम्स में, बिल्कुल वहां पानी इकट्ठा होता है. लेकिन होर्डिंग जो शब्द है, HOARDING, होर्डिंग, ठीक है, होर्डिंग होता है छिपा कर इकट्ठा करना. इसमें एक नेगेटिविटी है. काले धन के लिए एक बेटर वर्ड है होर्डेड मनी, होर्डेड ब्लैक मनी. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे सकते हैं कि होर्डिंग आएगा या क्यूमुलेट आएगा. आपको पता होना चाहिए कि काला धन होर्ड, जो छिपा कर ब्लैक मार्केटिंग होती है. दुकानदार एक शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको ऊंची कीमतों पर बेचते हैं. होर्डेड शुगर होगी वो, होर्डेड प्रोडक्ट्स होंगे वो. अक्यूमुलेट होता है जमा करना, ठीक है, इकट्ठा कर करके जमा करना. अब इसका सिनोनिम क्या है? ये देखिए, ये पिक्चर याद में एक के ऊपर एक लगाकर अक्यूमुलेट कर रहा है. सिनोनिम है इसके एग्रीगेट, अमास, कलेक्ट, गार्नर, गैदर, पाइल अप, ढेर लगाना. तो ये अक्यूमुलेट है. और इसके एंटोनिम क्या है? इसके एंटोनिम है डिस्पर्स करना. डिस्पर्स का मतलब, डिस्पर्स का मतलब होता है चीजों को अलग अलग दिशाओं में भेजना या फेंकना.
आपने कभी देखा है कोई किसान खेत में अगर वो बीज बो रहा है वो कैसे करेगा, वो अपने हाथ से इधर उधर बीज फेंकेगा, अगर वो फेंक रहा है तो वो डिस्पर्स कर रहा है। मैंने अपने जासूसों से कहा कि वो सभी दिशाओं में डिस्पर्स हो जाए, मतलब वो सभी दिशा में चले जाए और फैल जाए, ये डिस्पर्स है। स्कैटर का मतलब भी यही होगा, ये सिंपल सा है। तो अक्यूमुलेट के ऑपोजिट होंगे डिस्पर्स और स्कैटर। नंबर 12, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आया है हमारे रूट वर्ड एक्यूरेट से। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब है एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट। आप मुझे एक्यूरेट आंसर दीजिए, आप गोल मोल बातें मत कीजिए। आपके फादर पूछेंगे आपका रिजल्ट कैसा रहा और आप कहेंगे ओ पापा पता है इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चों की री आ गई, और फिर आपके फादर बोलेंगे मुझे एक्यूरेटली अपने मार्क्स बताओ कि तुम्हें कितने मिले, एग्जैक्टली बताओ। यस यही होगा। और उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे? आप महसूस करेंगे अबैश्ड। हमने अबैश्ड भी किया, फर्स्ट स्लाइड देखिए, अबैश्ड था उसमें। एक्यूरेट बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, करेक्ट, एग्जैक्ट। वेरासिटी, वेरासिटी होती है सच्चाई, और ये बहुत आता है एग्जाम्स में, आप जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरासिटी। प्रिसिशन, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, सटीक, ये सब है एक्यूरेट के सिनोनिम। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा इनएक्यूरेट, एरर, एनोमली। एनोमली होता है अबनॉर्मल, असामान्य। और इसकी पिक्चर देखिए कि ये जो तीर है सभी में बिल्कुल ठीक सटीक निशाने पर लगा है, एक्यूरेट लगा है, ठीक है। तो ये है नंबर 12। नंबर 13, नंबर 13 है अक्यूज। अक्यूज होता है आरोप लगाना। कभी कभी जब आप यहां पर मेरा जो मेन वर्ड होगा वो देखेंगे तो आपको लगेगा ओ अक्यूज तो बड़ा आसान है, मैम ने क्यों इंक्लूड किया है? मैम ने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स में आपको दे रखा है डिनाउंस, इनक्रिमिनेट। क्या आपको इनक्रिमिनेट पता है? जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में अक्यूज ही पूछा जाए, एग्जाम में इनक्रिमिनेट भी पूछ सकते हैं। और आपके जो फोर ऑप्शंस हैं, हो सकता है उसमें इंडिक्ट हो सकता है उसमें अक्यूज हो, तो हम सभी करेंगे। इनक्रिमिनेट के लिए आसान शब्द है अक्यूज। अब मैं आपको इनक्रिमिनेट को याद करने का तरीका बताती हूं। क्रिमिनेट में क्राइम आया है, क्रिम, CRIM, क्रिम। तो बेचारा जो क्रिमिनल है, खैर वो बेचारा भी नहीं है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल जो है उसको हम अक्यूज करेंगे, आरोप लगाएंगे उस पर, वो इनक्रिमिनेट होगा, आरोप लगाना। चार्ज, यस बिल्कुल चार्जेस लगाते हैं। इंडिक्ट, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, डिनाउंस, एलेज, आरोप लगाना। एलिगेशन सुना है आपने, एलिगेशन होता है आरोप, इट्स अ फॉल्स एलिगेशन, ये झूठा आरोप है। तो ये देखिए ये लेडी किस तरह से इस आदमी पर चिल्ला रही है, और ये आदमी कह रहा है मैंने ऐसा किया, ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसा कह रहा है। तो ये दिस लेडी इज अक्यूजिंग दिस मैन, वो इस पर आरोप लगा रही है। और एंटोनिम क्या है? इसके विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक है डिफेंड, बचाव करना। एग्जोनरेट, एग्जोनरेट होता है बरी कर देना हर तरह के आरोप से, ये इसके एंटोनिम्स हैं। नंबर 14, नंबर 14 है अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई फायदा, टू गेट, प्रोक्योर, ओबटेन, सिक्योर, ये सभी है अक्वायर के सिनोनिम्स। और ऑपोजिट होंगे त्यागना, त्यागना होगा relinquish, forgo और forfeit। नंबर 15, हम करते हैं नंबर 15। नंबर 15 में हमारा जो शब्द है वो है अक्यूट। एक अक्यूट एंगल सुना है आपने, राइट? मैथ्स में तो बिल्कुल हमें छोटी क्लासेस में अक्यूट एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो सब सिखा देते हैं, पर उस अक्यूट का इस अक्यूट से कोई लेना देना नहीं है। अक्यूट का मतलब होता है बहुत तेज और तीखा। लेकिन अगर मैं कहूं बहुत ही तेज चाकू है या बहुत ही तेज चाकू है तो मैं नहीं कहूंगी इट्स एन अक्यूट नाइफ, नो, ठीक है, नहीं। लेकिन मैं वहां जरूर कहूंगी जहां मैं कहना चाहती हूं ओ कमर में दर्द बड़ा तेज है या बड़ा ही तीव्र दर्द हो रहा है मेरी कमर में। आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठेंगे तो इस तरह से हो जाते हैं हम, वहां पर हम यूज कर सकते हैं अक्यूट। पियर्सिंग, शार्प, ये अक्यूट के सिनोनिम्स हैं। और इसका उल्टा होगा डिम, डल, ऑब्स्ट्यूस, ये इसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट है हमारा एडमेंट। एडमेंट होता है अटल, अपनी बात पर बिल्कुल अटल है ये आदमी, इधर से टस से मस भी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एडमेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पिक्चर देखो फिर उसके बाद चलूंगी। यहां पर ये कहते हैं मिस्टर एडम, ये टीचर है मिस्टर एडम, ओके, ये टीचर है मिस्टर एडम। मिस्टर एडम द स्ट्रिक्ट टीचर इज एडमेंट अबाउट ग्रेडिंग। तो मिस्टर एडम एडमेंट है कि वो सभी बच्चों को ग्रेड्स देंगे। और ये बच्चा क्या कह रहा है, मिस्टर एडम कैन यू गिव मी बी,
एंड मिस्टर एडम इज एडमेंट कि वो इसको बी देंगे नहीं. तो एडमेंट के लिए एक और होता है इनफ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्या होती है, जैसे ऑनलाइन कोचिंग फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहे देखिए वीडियो, रात में देखिए, दोपहर में देखिए, सुबह देखिए, आपकी मर्जी है. लेकिन जो क्लासरूम कोचिंग होती है वहां पर एक फिक्स टाइम होता है, वो इनफ्लेक्सिबल है. तो एडमेंट सिनोनिम है इनफ्लेक्सिबल का, जो अपनी बात पर डटा रहे. सिनोनिम है इसके स्टबर्न, जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड. और इसके एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, सपलनेस, सपलनेस होता है सॉफ्टनेस, और है टेंडर, आराम से एडजस्ट करेगा, एडजस्टेबल. ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं. नंबर 17 है हमारा एडिक्वेट. एडिक्वेट, ओके, एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में कोई चीज आपके पास अवेलेबल है. तो इसके लिए इनफ, सैटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट, एवरेज, डिसेंट, ये सभी जो है ये एडिक्वेट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप वो जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप कहेंगे मैम दे आर नॉट ऑफरिंग मी एडिक्वेट सैलरी, यानी कि वो मुझे इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जितनी कि मुझे चाहिए. ओके और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा यहाँ पर दे आर नॉट ऑफरिंग मी एडिक्वेट सैलरी. उसके बाद इसके ऑपोजिट क्या होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे डेफिशिएंट. एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल, ऑपोजिट क्या होगा डेफिशिएंट, वांटिंग, इनसफिशिएंट, शॉर्टेज. आप रूट वर्ड जानेंगे सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब होता है काफी, इसका ऑपोजिट क्या होगा इनसफिशिएंट. नेक्स्ट है हमारा एडमायर. एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. मैं एडमायर करती हूं उन लोगों को जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं. एडमायर, एडमायर का सिनोनिम है अप्रिशिएट, प्रेज, वैल्यू, रिस्पेक्ट, लाइक, रिगार्ड. आजकल इस तरह से मस्कुलर मेन जो होते हैं सब लोग उनको बड़ा एडमायर करते हैं, वाओ वाओ करते हैं, तो ये एडमायर हो रहा है. एडमिरेशन, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है आरोप लगाना, ब्लेम, कंडेम, निंदा करना, डिसअप्रूव, ये सभी इसके ऑपोजिट हैं. विमेन एडमायर करती हैं ज्वेलरी, विमेन एडमायर करती हैं डायमंड्स, मेन एडमायर करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां. तो हम सब की अलग अलग चीजें हैं जो वो एडमायर करते हैं. चलिए आगे चलते हैं एडमायर के बाद. नंबर 20 अडॉप्ट, आपने सुना होगा अडॉप्ट, अडॉप्शन. अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना. और हम कब किसी चीज को गोद लेंगे, हम जब उसको गोद लेंगे हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको स्वीकार करना. अफर्म इसका सिनोनिम है, ये देखिए ये मदर इस बेबी के साथ है और क्या कह रहा है, ये बींग अडॉप्टेड, गोद लेना. अफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, मोहर लगा देना, स्वीकार करना. अप्रूव का मतलब भी यही है. आपने सुना होगा कि मैं किसी से पूछूं कि आप छुट्टी पर क्यों नहीं गए, तो कहेंगे मुझे मेरे डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिला. तो अप्रूवल मतलब होता है पुष्टि, कंफर्म, पुष्टि. सैंक्शन, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, काफी कॉमन वर्ड है ये. पास, पारित होना, रेटिफाई, पुष्टि. और इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है डिस्क्लेम. एक चीज को तो आप अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि फैक्ट्री ने एक नई प्रोडक्शन टेक्निक को अडॉप्ट किया है क्योंकि पुराने वाली टेक्निक उनकी इतनी प्रोडक्शन दे नहीं रही थी. डिस्क्लेम, डिस्क्लेम का मतलब होता है कि नहीं नहीं हम इसको नहीं करेंगे. डिसओन, स्पर्न, ये सभी अडॉप्शन के ऑपोजिट है. नंबर 20 है एडवेंचरस. रूट वर्ड ले लेते हैं एडवेंचर हम. क्या आप कभी गोवा गए हैं, वहां पर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है. उसमें क्या होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, उसमें आप एक हॉट एयर बलून में जा सकते हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं. एडवेंचरस का मतलब होता है उत्साही, जिसको नई नई चीजें करने में मजा आए, कभी पहाड़ पे चढ़ने में मजा आए, कभी रिवर राफ्टिंग के लिए जाने पे मजा आए, तो वो होगा एडवेंचरस. तो ऐसे लोग क्या होंगे, वो बोल्ड होंगे, वो डेयर डेविल होंगे, वो डेयरिंग होंगे, वो रिस्क लेने वाले लोग होंगे. तो ये सभी जो है ये एडवेंचरस के ऑपोजिट है. जनरली 23-24 ईयर्स की एज में हम ऐसे ही होते हैं स्वभाव के, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी हड्डियां कमजोर होंगी, हम सेफ खेलने लगते हैं, एडवेंचर जो है वो कम होने लगेगा. तो हम सेफ हो जाएंगे, हम कॉशियस हो जाएंगे. कॉशियस मतलब सचेत, सतर्क और ध्यान देकर काम करने वाला. टिमिड हो जाएंगे, टिमिड का मतलब थोड़ा शाई भी होता है. तो ये सभी एडवेंचरस के ऑपोजिट है. नंबर 21 में जो मैंने पिक्चर लगाई है मुझे बहुत पसंद है, देखिए वेरी नाइस. ओके खैर मैं ही कह रही हूं वेरी नाइस. एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता. ये एक
मैंने थोड़ी ज्यादा भारी हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया, थोड़ी आसानी से समझाती हूँ। जब चीजें विपरीत हों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी हो नहीं रही हैं, प्रतिकूलता कह लीजिए इसको, या फिर आप कह लीजिए अभाग्य, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बुरी किस्मत, मिसफॉर्चून, ठीक है। एक तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है मान लीजिए, और ऊपर से एग्जाम जो है जिसकी पहले उम्मीद थी कि दिसंबर में होगा, अचानक से अनाउंसमेंट आ जाए कि नहीं जी वो तो सितंबर में होगा, तो आपको यू हैव टू स्टडी अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटीज, एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स, रिवर्स होता है ना, रिवर्स क्या होता है, उल्टा, तो एडवर्सिटी वही है कि उल्टा असर हो गया, दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। आप काफी बार पतले होने के लिए दवाई ले लेते हैं या लंबे होने के लिए दवाई ले लेते हैं, इस तरह की दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, उल्टा ही असर हो जाता है, कोई नई बीमारी हो जाती है। तो यहां पर सिनोनिम क्या है इसके, मिसफॉर्चून, हैपलेसनेस, हेल्पलेसनेस से याद रखना, जब आप असहायता महसूस करेंगे, अफ्लिक्शन, हार्डशिप, हार्डशिप होता है मुश्किल, देखिए। और ऐसा कहा जाता है कि एडवर्सिटी में किस्मत आपका की परीक्षा लेती है, और जो लोग एडवर्सिटी को ढंग से फेस कर पाते हैं वही तरक्की करते हैं। एडवर्सिटी देखिए यहां दिया है, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वो हो जाए, एंड व्हेन इट हिट्स होल्ड योर हेड अप, डोंट लुक बैक, फॉरवर्ड मार्च, पीछे मत देखिए। देखिए बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, इस आदमी ने उसका किस तरह से सामना किया है, ठीक है, यह है एडवर्सिटी। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसकी ऑपोजिट होगी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, सुख वगैरह, अच्छी फॉर्चून, अच्छी किस्मत क्या आदि, तो एडवर्सिटी। अफेक्शन, अफेक्शन सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है लगाव, किसी चीज से बहुत प्रेम करना, पेरेंट्स बच्चों से, स्टूडेंट्स टीचर से, हमारा अफेक्शन होता है। अटैचमेंट, लगाव, लाइकिंग, लव, फॉन्डनेस, लॉयल्टी, ये सभी अफेक्शन है। और इसके ऑपोजिट क्या होते हैं, हमारे घर में पेट एनिमल्स कब होंगे, जब होंगे जब हमें हमारे मन में उनके लिए अफेक्शन होगा, और छोटे बच्चों के लिए जिनको अच्छी बुरे की कोई पहचान नहीं है, उनके मन में सबके लिए अफेक्शन होता है। ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, सी द गर्ल इज लविंग द डॉग सो वेल। एंटोनम क्या है इसके, एंटोनम्स है इसके दुश्मनी, एनिमिटी, हेट्रेड, घृणा, डिसलाइक, नापसंद करना, ये सभी इसके एंटोनम्स हैं। नंबर 23, एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या है, आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, आप कोई भी रिपोर्ट कार्ड खोल के देखना स्कूल के बच्चों का, और उन स्कूल के बच्चों का जिनको ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, नीचे एक दिया होता है इस तरह से, एग्रीगेट टोटल आपने देखा होगा, उसी से आपको याद रहेगा एग्रीगेट टोटल, फिर आपके वहां पर टोटल मार्क्स इत्यादि सब दिए होते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करके बताना, कितना, अमाउंट, सम, टोटल, टोटैलिटी, एंटायरिटी, ग्रॉस, ये सभी एग्रीगेट के सिनोनिम है। और ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट तो होगा इसका अकेला, इंडिविजुअल, सेपरेट, सिंगल, ये सभी एंटोनिम है। 24, अग्रेसिव, अग्रेसिव होता है आक्रामक, आक्रामक, इसको बहुत गुस्सा आएगा अग्रेसिव को, ठीक है, बहुत गुस्सा आएगा मारपीट करने में आगे, और इसका अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहेगा। कुछ एक छोटे बच्चे बड़े अग्रेसिव होते हैं, स्कूल से रोज शिकायत आएंगे कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों को बहुत मारता है, अग्रेसिव, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है हॉस्टाइल, मिलिटेंट, मिलिटेंट जो होते हैं, फिर बेलीग्रेंट, लड़ाकू स्वभाव का, अटैकिंग। देखिए ये बेलीग्रेंट जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया है, जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारे ये सब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि काफी सारे वर्ड्स कॉमन भी हो जाते हैं। यहां पर है बेलीग्रेंट, अटैकिंग, अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, उसको हम कहेंगे अग्रेसिव। फिर इसका विपरीत है इसके विपरीत है लेड बैक, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, टेंशन नहीं लेता है। आप किसी भी चीज को लेकर अग्रेसिव हो सकते हैं, आप अपने करियर को लेकर आक्रामक हो सकते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, तो अग्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, कुछ जगहों पर यह पॉजिटिवली भी यूज होता है। नंबर 25, नंबर 25 है हमारा अग्री, अग्री का मतलब होता है स्वीकार करना, सहमत होना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, एक्सेप्ट, कंसेंट, नॉड, नॉड होता है गर्दन हिलाकर जब हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, समटाइम्स यू जस्ट नॉड और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बात करती है। असीड, असीड होता है जनरली तब इस्तेमाल होगा जब प्रेशर या दबाव में आप किसी काम को करने के लिए मान जाएं। मान लीजिए किसी के पास बहुत टाइम से जॉब नहीं है, ठीक है, तो वो एक बहुत लो पेड जॉब में को भी स्वीकार कर लेगा, बेचारा दबाव में आ जाएगा, वहां पर असीड टू प्रेशर, असीड के साथ टू लगेगा और उसके बाद असीड टू प्रेशर। कनकर, सहमत होना। फिर है हमारा एंटोनम, एंटोनम क्या है इसके, डिसएग्री,
differ, contradict. Disagree, differ or contradict. Disagree, आप सहमत नहीं है. Differ, different से आया ना, differ, अलग अलग. Contradict, किसी का विरोध करना, opposite बोलना. Alert, next है हमारा alert. Simple सा word फिर से, सचेत. जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं सिंपल से लेकर सबसे मुश्किल तक सब आपके लिए कवर करूंगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इससे बाहर इसके बाहर से आने की संभावना न के बराबर है. तो अलर्ट क्या कहती हैं आपसे आपकी मदर्स, गर्ल्स से स्पेशली, कि जब बाहर जाओ रोड पर थोड़े अलर्ट रहना, सचेत रहना, कोई तुम्हारी जेब ना काट ले, कोई कुछ उल्टा सीधा ना तुम्हारे ऊपर फेंक दे, तो अलर्ट रहिए आप. ऑब्जर्वेंट, आसपास ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है. विजिलेंट, ये आ सकता है, विजिलेंट देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए भाई इसके सिनोनिम्स क्या हैं. वेरी, वेरी भी सतर्क. वॉचफुल, वॉचमैन हमेशा वॉचफुल होगा. कीन, उत्सुक. तो ये सभी अलर्ट के सिनोनिम्स हैं. ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स है अस्लीप, सोया हुआ, सुस्त, ड्राउजी, इनअटेंटिव, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं. अलायंस, अलायंस होता है समझौता. एडजस्टमेंट, अलायंस दो ग्रुप्स जो हैं अगर वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम जो हैं एक साथ काम करेंगे तो भी अलायंस कहेंगे हम इसको. आपने एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना है, बजाज अलायंस. यस, वो बजाज और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अलायंस, उसका कॉम्बिनेशन है, दोनों ने कंबाइन करके किया, तो बजाज अलायंस एक इंश्योरेंस कंपनी है. यहां पर सिनोनिम्स क्या है, देखिए इस तरह से होता है जब अलायंस होते हैं, दो लोग हाथ मिलाएंगे कि यस हमारा एडजस्टमेंट, हमारा एक एडजस्टमेंट हुआ. कोलिएशन, मिली जुली सरकार को हम क्या कहते हैं, कोलिएशन, उनमें भी अलायंस है. लीग, यूनियन, एसोसिएशन और ग्रुप, ये सभी हमारे सिनोनिम्स हैं. और ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है एंटागोनिज्म, विरोध, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, ये सभी इसके विपरीतार्थक हैं. नंबर 28, नंबर 28 है अलोन. अलोन आपने बहुत सुना होगा, बड़ा सिंपल सा शब्द है, इसका मतलब है अकेला, अलोन. लोनली, लोनसम, जिसमें भी ये LON आएगा जरा ध्यान दें, ये अकेले से संबंधित हो जाता है. सिंगल, अकेला. सॉलिटरी, आइसोलेटेड. आइसोलेटेड जनरली जगहों के लिए यूज होता है, किसी इंसान के लिए यूज नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन इंसान के लिए अगर मैं कहूं कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, ही इज फीलिंग लोनली, वो अकेला गया तो अलोन. लोनली एक फीलिंग है, एक एहसास है ये. आई फेल्ट लोनली इन द हॉस्टल, हॉस्टल में मुझे अकेलापन महसूस हुआ. ओके, आइसोलेटेड आइलैंड होगा. हम कह सकते हैं आपसे कि रात के समय आइसोलेटेड जगहों पर मत जाइए, मतलब कि ऐसी जगह जो मेन एरिया से अलग हटकर हो. अपार्ट, अलग. इसके एंटोनिम क्या है, इसके एंटोनिम विपरीतार्थक क्या है, टुगेदर एक साथ, अकंपनीड, एस्कॉर्टेड टुगेदर एक साथ, आई लाइक टू गो, वी लाइक टू गो टुगेदर फॉर पार्टीज, अकंपनीड एक साथ, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं. 29 and 30, लेट अस सी 29 एंड 30 क्या है. 29 है हमारा अमेजिंग. 29 इज अमेजिंग. अमेजिंग होता है आश्चर्यजनक, बहुत बढ़िया. आश्चर्यजनक तो नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें अमेजिंग केवल अच्छी चीजों के साथ ही यूज करना है. अमेजिंग वॉटरफॉल, अमेजिंग सनसेट, अमेजिंग परफॉर्मेंस, जो आपको चकित कर दे. जब युवराज सिंह ने लास्ट के 6 बॉल्स में 6 छक्के मारे तो वो अमेजिंग परफॉर्मेंस थी. अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, इनक्रेडिबल, मार्वेलस. आश्चर्यजनक तो नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन यहां पर हम अमेजिंग को केवल पॉजिटिव चीजों के साथ ही प्रयोग करेंगे. ठीक है, ये देखिए, सोचिए, ये माउंट आबू का सनसेट पॉइंट है और वहां पर लोग ऐसे कहते हैं, ओ द सनसेट देयर इज अमेजिंग, आश्चर्यजनक है. अगर एडवेंचरस लोग जाते हैं तो उनको बड़ा अमेजिंग लगता है. अगर कोई बुजुर्ग से इंसान जाते हैं तो वो मुझे एक दो ने ये भी कहा है कि ऐसा भी क्या था जो इतनी दूर जाकर हम सूर्यास्त देख कर आए. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है. अब इसका विपरीत क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका विपरीत होगा ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, एवरेज, मीडियोकर, औसतन, ये सभी इसके ऑपोजिट हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्बिशियस. एम्बिशन से आया, रूट वर्ड क्या है, एम्बिशन. व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ राइट नाउ, मैम माय एम्बिशन इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. ओके, एम्बिशन होती है आपकी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वहां से एम्बिशियस हुआ आपका महत्वाकांक्षी. आई एम एन एम्बिशियस पर्सन,
आई एम एन एग्रेसिव पर्सन, आई एम एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू माय एम्बिशन. तो इसके ऑपोजिट, इसके सिनोनिम है एस्पायरिंग, ईगर, लॉन्गिंग, आर्डेंट, ये सभी इसके सिनोनिम है. और ऑपोजिट क्या है, एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स है कंटेंट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड हूं मैं. जैसे आप इसे कुछ लोग जो हैं वो एसएससी सीजीएल क्लियर करने के बाद कंटेंट हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो आगे आईएएस की भी तैयारी करना चाहेंगे, तो वो जो आगे आईएएस की तैयारी करेंगे वो तो एम्बिशियस हैं, अभी भी एम्बिशियस हैं जॉब मिलने के बाद भी, और जो बैठ जाएंगे कि बस हो गया जी, बहुत हो गई मेरी पढ़ाई, अब तो बस इतना ही, कंटेंट है वो. सैटिस्फाइड, संतुष्ट, ये सभी एम्बिशियस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे. 31 and 32, अमेंड. अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, कोई बदलाव लाना, कोई चेंज लाना. और आपने सुना होगा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का इतने बार अमेंडमेंट हुआ है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार संशोधन किया है हमारे संविधान में. तो इसके सिनोनिम है इंप्रूव, सुधार लाना, करेक्ट, रेक्टिफाई, ये सभी इसके सिनोनिम्स है. और इसके विपरीतार्थक क्या है, विपरीतार्थक है इंपेयर, इंपेयर होता है बद से बदतर बना देना. वर्सन, वर्स से आया ना रूट वर्ड वर्स, ब्लेमिश, दाग धब्बा लगना. नाउ 31 का, वी द पीपल वोट यस मूव टू अमेंड, जब जनता कहेगी आप अमेंडमेंट कीजिए तो अमेंडमेंट होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग की और उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए. अमेंड मतलब, मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब होता है ठीक करना, ठीक करना. तो आप जूते के पास जब जब आप मोजी के पास जाते हैं, आप अपने जूते मेंड करवाने जाते हैं, कहीं कोई पाइप वगैरह टूट गया उसको ठीक करवाने के लिए जो आदमी आएगा वो उसको मेंड करेगा, उसको ठीक करेगा. तो अमेंड का मतलब यही होगा. बिहेवियर भी अमेंड होती है भाई, आपकी बिहेवियर ठीक नहीं है, आप टाइम पर उठते नहीं है, टाइम पर खाते नहीं है, टाइम पर सोते नहीं है, आपके थोड़े कान खींचे जाएंगे तो बिहेवियर में भी सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, अमेंडमेंट होगा. 32, एम्पलीफाई. एम्पलीफाई होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना. बढ़ा चढ़ाकर कहना भी होता है, आपकी गाड़ियों में एक एम्पलीफायर होता है, कार्स वगैरह में होता है ये जो है आवाज को ऊंची कर देगा, म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है. तो बड़ा करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, देखिए ये जो माइक है ये एम्पलीफायर, 10 बजे के बाद कुछ एक शहरों में एम्पलीफायर, इस तरह के जो माइक्स वगैरह है उनका इस्तेमाल करना मना है, उसे ध्वनि प्रदूषण होता है. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है. और एक अमेंडमेंट करके हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है उसमें अमेंडमेंट करके ये सभी शहरों के लिए हो जाना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई लाउड म्यूजिक नहीं होगा, ठीक है. तो एम्पलीफाई, एम्पलीफायर ये बड़ा करेगा, बूस्ट करेगा, एनलार्ज करेगा, एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा. और इसका ऑपोजिट है लेसन, कंप्रेस, समराइज, छोटा करना. तो ये हमारा पार्ट वन था, और भी हम और भी आगे देखते हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट है ssccglepinnacle.com. आप यहां विजिट कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, स्पेशली एसएससी. ओके, वी आर फोकसिंग ऑन एसएससी, हम एसएससी सीजीएल पर ज्यादा फोकस करते हैं और हम सीजीएल के स्पेशलाइज्ड हैं. यहां पर आप देखेंगे कि एक लाइन है 80 प्रोडक्ट्स फॉर एसएससी सीजीएल, ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग बैच 2016-17 टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, न्यू ऑनलाइन कोचिंग बैच वगैरह. यहां पर एक पतली सी नीली रंग की पट्टी चलती रहती है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 80 प्रोडक्ट्स फॉर एसएससी सीजीएल नजर आएंगे. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपके बहुत सारे वीडियोज जो है वो प्राइवेट में है, हम उनको देखना चाहते हैं, हम क्या करें. हम एक पेड चैनल हैं, हम जो है फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जितना हम फ्री अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली उतना हम देते हैं और उसको हम पब्लिक डोमेन में डालते हैं. लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पे करके हमें ज्वाइन करते हैं. अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा. जब आप ये 80 प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसएससी की ओर, हमारी ओर से, पिनाकल की ओर से एसएससी के लिए 80 प्रोडक्ट्स डिजाइंड हैं. अगर आप सिर्फ मैथ्स करना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश करना चाहते हैं, सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना चाहते हैं, ईडियम्स करना चाहते हैं, टायर 1 की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, टायर 2 की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, वो सब इसमें है.
और उसके बाद अगर आप ये सभी कुछ लेना चाहते हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ये नीचे देखिए पिनाकल एसएससी सीजीएल 2016-17 ऑनलाइन कोचिंग बैच है हमारा, 2 साल के लिए है ये। ये सभी 80 प्रोडक्ट्स इस ऑनलाइन कोचिंग बैच का हिस्सा हैं, और फ्यूचर में भी जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि आगे भी जो एग्जाम्स होंगे उन हम उन सब के वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे, फ्यूचर में भी जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इस ऑनलाइन कोचिंग बैच का हिस्सा होंगे, इसका हिस्सा होंगे। आप इसके आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के बाद हमारा जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल डिटेल में सभी ट्रिक्स अश्योर बिल्कुल सभी जिस प्रकार जितनी भी आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए वो सब उसमें अवेलेबल है, क्योंकि हम एसएससी के स्पेशलाइज्ड हैं, हम एसएससी को किसी भी और चीज़ के साथ क्लब नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक जनरल तैयारी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग मांगता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मांगता है, उसके लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए, वो सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसमें 1 लाख के आसपास क्वेश्चंस हैं, 1 लाख मोर देन 90,000 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले आप सारे रूल्स जानिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज कीजिए और सपोर्टिंग वीडियो लेक्चर्स देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो सकें। आप जैसे इसके मेंबर बनेंगे आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस का इमीडिएट एक्सेस मिलेगा। कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम हो जाता है, जी नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। आजकल एक एक नंबर पे जब इतने लोग इधर उधर हो जाते हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, खुद बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो में हम कितना इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह करनी भी बेहद ज़रूरी है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको सभी प्रोडक्ट्स का फुल बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो हमारा ये हार्ड ड्राइव कोर्स भी है, हार्ड ड्राइव कोर्स, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफलाइन कोचिंग कोर्स, हार्ड ड्राइव कोर्स फॉर 2016-17 के लिए है। ठीक है, आप हमारी साइट विजिट कीजिए, जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएंगे। अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, नंबर है 9729327755। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट वन ऑफ द लेक्चर खत्म हुआ, पार्ट वन ऑफ ए। ये ए का पार्ट वन था, मैं ए के आगे और भी पार्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आपके लिए बिल्कुल डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। और जहां ए खत्म हो जाएगा, जो ए का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी, ताकि आप इस चीज को जज कर सकें कि मुझे कितना आया। और उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो एसएससी में पहले आए हुए हैं। And the same lecture has been made in English medium also for those students who wish to watch it in English. I wish you all the very, very best. Thank you.